अरे अरे अरे, कुछ साउंड हो रहा है पीछे से, कुछ आ रहा है क्या? ओ, मैंने बुक किया था, उबेर में बुक किया था, मुझे कहीं जाना हो ना, ड्रोन के माध्यम में जाना है, इसलिए मैं बुक किया था। और कुछ आ रहा है, और कुछ आ रहा है। ओ, अभी जो मैं इसको ऑर्डर किया था ना, कुछ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, डिलीवर करेगा रूफ के ऊपर में। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नजमूल और आप देख रहे हैं MM टेक्नोसॉफ्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ड्रोन के बारे में, ड्रोन कितने टाइप्स के होते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मालूम है अमेजोन प्राइम जो है, अगर आप उसमें कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो विद इन 30 मिनट ड्रोन के माध्यम से आपके घरों में डिलीवर कर देती है। और एक चीज़ आपको मालूम है, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं पैसेंजर ड्रोन के माध्यम से, अगर आप बुक करते हैं कुछ ही समय के अंदर ड्रोन आपके घरों में पहुँचेगी, उसके बाद डेस्टिनेशन प्लेस में पहुँचा देगी। ये चीज़ भी आज के डेट में अवेलेबल है, ये टेक्नोलॉजी यहाँ तक डेवलप कर गई है ड्रोन की। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में आज चर्चा करेंगे और टाइप्स ऑफ ड्रोन कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, मैं इस बारे में चर्चा करता हूँ। तो दोस्तों, ड्रोन के बारे में तो आपको मालूम होगा, ड्रोन का दूसरा नाम UAV भी होता है, जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो रिमोट और एक खुद ड्रोन। तो इसके बारे में पिछले वीडियो में मैं चर्चा किया हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। पर दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ड्रोन, कितने टाइप के ड्रोन्स होते हैं। दोस्तों, ड्रोन तो बेसिकली बहुत टाइप के होते हैं, पर जो इम्पोर्टेंट टाइप है उसी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला जो है मल्टी रोटर ड्रोन्स, दूसरा है फिक्स्ड विंग ड्रोन्स, तीसरा जो है सिंगल रोटर हेलीकॉप्टर, और उसके बाद में एक स्पेशल ड्रोन डिज़ाइन किया गया है जो कि पैसेंजर के लिए, उसके बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मल्टी रोटर ड्रोन्स के बारे में। मल्टी रोटर ड्रोन्स क्या होते हैं? तो दोस्तों, मेरे पीछे जो देख रहे हैं ना, इसको बोला जाता है मल्टी रोटर ड्रोन्स। मल्टी रोटर ड्रोन्स बहुत टाइप्स के होते हैं, जिसमें 3 रोटर्स लगा रहता है उसको बोला जाता है ट्राईकॉप्टर, जिसमें 4 रोटर्स लगा रहता है उसको बोला जाता है क्वाडकॉप्टर्स, जो मेरे पीछे देख रहे हैं, जिसमें 6 रोटर्स लगा रहता है उसको बोला जाता है हेक्साकॉप्टर्स, और जिसमें 8 रोटर्स लगे रहते हैं उसको बोला जाता है ऑक्टाकॉप्टर्स। दोस्तों, इसके अलावा और भी ज़्यादा लगे रहते हैं जो कि कॉमर्शियल यूज़ के लिए होता है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में लगता है, वो तो अलग हैं, पर बेसिकली इतने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों, एक कॉमन टाइप के ड्रोन है, मतलब इसको पहले से आप बहुत देखे होंगे और यूज़ में भी लाए होंगे। ये बेसिकली 15 से 30 मिनट तक फ्लाई कर सकती है, और इसको आई इन द स्काई भी बोला जाता है। ये वर्टिकली टेकअप एंड वर्टिकली लैंडिंग करता है, मतलब ऐसे, ये नहीं कि रनवे में दौड़ के जाए फिर उसके बाद फ्लाई करे, इस तरह का होने से इसमें इसका जो एरिया है टेकअप एंड लैंडिंग के लिए ज़्यादा ज़रूरत होगा। पर ये जो नॉर्मली वर्टिकली होता है, डायरेक्ट टेकअप एंड डायरेक्ट लैंडिंग, क्योंकि इसमें मल्टी रोटर्स रहते हैं, एक इसका खासियत ये है, ज़्यादातर इसका टेकअप एंड लैंडिंग बहुत ईजी है, आप नॉर्मली विदाउट ट्रेनिंग इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये स्टेबल होती हैं, नॉर्मली स्टेबल टाइप के होते हैं। अगर आप किसी जगह पे कंस्टेंट फ्लाइंग करती हुई अगर एक जगह कंस्टेंट रखें, नीचे से अगर कोई फ़ोटो वगैरह लेनी हो, तो वो बहुत स्टेबल होते हैं, नॉर्मली कुछ बहुत समय तक वहाँ पे स्टेबली आप वहाँ से फ़ोटो खींच सकते हैं। और इस टाइप के ड्रोन जो हैं वो थोड़ा कॉस्ट थोड़ा इनकी कम होती है, एज़ कंपेरिजन ऑफ अदर टाइप के जो होते हैं, इसका कॉस्ट सबसे कम होता है, चीपर है। इन्हीं टाइप्स के ड्रोन होते हैं जो कि 5 से 30 kg तक के जो प्रोडक्ट हैं या फिर कोई खाने पीने की चीज़ है जो डिलीवर किया जाता है अमेजन प्राइम के ज़रिए से, वो 100 किलोमीटर तक जा सकती है पर आवर में, 5 से 30 kg तक, और 30 मिनट के अंदर में ये आपको डिलीवर कर देगी। इसकी खासियत, सबसे बड़ा खासियत इसका यही होता है, इस टाइप के ड्रोन साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं एज कंपेरिजन ऑफ अदर्स, और उसके बाद इस पे जो पे लोड कैपेबिलिटीज़ है वो थोड़ा कम होते हैं एज कंपेरिजन ऑफ अदर्स। मतलब क्या है पे लोड का? मतलब वो है कि इसमें कैमराज हो, कुछ सेंसर हो, जिससे आप सेंस करते हैं, आप जिस काम के लिए उसको टेकअप एंड लैंडिंग करवाते हैं, जो पर्पोज के लिए आप यूज़ करते हैं, उसी को पे लोड बोला जाता है। जैसे कि फोटोग्राफी हो या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन करना हो, अगर सिक्योरिटी के लिए यूज़ करना हो, उसमें जितना सारे सेंसर्स लगे होते हैं उसे ही पेलोड बोला जाता है, इसमें थोड़ा कम होते हैं एज कंपेरिजन ऑफ अदर। दोस्तों, इन टाइप्स के ड्रोन जो हैं वो ज़्यादातर यूज़ में लाए जाते हैं एरियल फोटोग्राफी। वैसे तो आपको फोटोग्राफी करने में बहुत खुशी होती होगी, जैसे कि ऊपर से फोटोग्राफी, मतलब आप नीचे खड़े हो ऊपर से कोई फोटो खींच रहा है, तो ड्रोन से ये पॉसिबल होता है। और जैसे मूवी वगैरह में जब ऊपर से एरियल फोटो मूवी अगर शूट करनी हो तो ऊपर से एरियल से शूट किया जाता है इस पर। और दोस्तों, एग्रीकल्चर में क्या है ना, अगर घर बैठे आप देखना चाहें आपका जो क्रॉप है वो सब ठीक ठाक है या अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ से बैठ के उसको इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, कॉमर्शियल यूज़ के लिए कोई सामान यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करनी हो तो उसके ज़रिए से आप ले सकते हैं, और सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वर्कर्स ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यूज़ कर सकते हैं, सर्वेलेंस जिसको बोला जाता है। और दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है, कॉमर्शियली हो या फिर प्राइवेटली हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है। दोस्तों, अब बात करेंगे फिक्स्ड विंग ड्रोन। फिक्स्ड विंग
फ्लाइंग ड्रोन देखने में बिल्कुल ट्रेडिशनल एरोप्लेन के जैसे होते हैं। इसमें टू विंग्स होते हैं, एक प्रोपेलर होता है। और दोस्तों इसका फंक्शन भी ट्रेडिशनल एरोप्लेन के जैसे है, देखने में भी सेम एरोप्लेन के जैसे हैं, और ये ज़्यादा कैपेबल होते हैं एज़ कम्पेरिजन ऑफ अदर ड्रोन्स। इसमें क्या है, आप पेलोड ज़्यादा दे सकते हैं और ज़्यादा टाइम तक भी इसका फ्लाइंग टाइम होता है 16 आवर अगर ये गैस से ऑपरेट होता हो। और दोस्तों इसका जो और खासियत है, ये हाई स्पीड में रन करते हैं और हाई अल्टीट्यूड में, और इससे सामान ज़्यादा से ज़्यादा वेट वाला सामान इसमें कैरी किया जा सकता है। दोस्तों इसका डिसएडवांटेज है वही, जो इसके लिए जो टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए स्पेस ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ट्रेडिशनल एरोप्लेन के जैसे रन करते हैं टेक ऑफ के टाइम में या लैंडिंग के टाइम में। और जो इसको फ्लाई करने के लिए ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत होती है, थोड़ा क्रिटिकल होता है एज़ कम्पेरिजन ऑफ अदर्स करने के लिए। इन टाइप के ड्रोन जो हैं ज़्यादातर यूज होते हैं मिलिट्री में या कमर्शियल इंडस्ट्रीज में, ऑयल एंड गैस में, या फिर एग्रीकल्चर में। इसमें सामान भी कैरी कर सकते हैं, और इसको जो मिलिट्री में यूज़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल एरिया जहाँ पे आपका बड़ा एरोप्लेन हो या फिर हेलीकॉप्टर जहाँ नहीं जा सकते, इसके जरिए से वहाँ काम निपटा जाता है। दोस्तों अब बात करेंगे सिंगल रोटर हेलीकॉप्टर। सिंगल रोटर हेलीकॉप्टर देखने में बिल्कुल ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर के जैसे होते हैं। इसमें ऊपर में एक बड़ा सा रोटर लगा रहता है, और टेल में जो पीछे आप देख रहे हैं वहाँ छोटा सा एक रोटर लगा रहता है। ऊपर वाला जो होता है वो टेक ऑफ लैंडिंग के लिए और कांस्टेंट रखने के लिए, ये जो है डायरेक्शन देने के लिए जो टॉल में लगा रहता है। इन टाइप के जो ड्रोन है ये वर्टिकली फ्लाई कर सकते हैं, जैसे आप ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर में वर्टिकली फ्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जगह भी कम ज़रूरत होता है एज पर आपका जो एरोप्लेन के जैसे, एरोप्लेन के लिए रनवे चाहिए होता है ना, इसको रनवे नहीं चाहिए। एक जगह से फ्लाई कर सकता है, एक ही जगह लैंडिंग कर सकता है, ये सबसे बड़ा खासियत है। दूसरा है इसमें पेलोड ज़्यादा लेके जा सकते हैं, और इसमें ज़्यादा सामान भी कैरी कर सकते हैं, ये सब इसमें खासियत है। ये ज़्यादा टाइम तक फ्लाई कर सकते हैं अगर इसमें गैस इंजन हो तो। इन टाइप के ड्रोन जो हैं इसका डिसएडवांटेज है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेरिजन ऑफ अदर्स जैसे कि मल्टी रोटर वाले से। और इसमें एक क्या है, थोड़ा डेंजरियस होता है, इसमें एक रोटर लगा रहता है ना, इसलिए डेंजरियस होता है। अगर कहीं पे मूव करता हो, अगर किसी को टकरा गया तो प्रॉब्लम है, थोड़ा डेंजरियस होता है। दोस्तों इन टाइप के ड्रोन्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं सर्वे और रिसर्च में। सर्वे के लिए कहीं जाना हो तो कंस्टेंटली वहाँ स्टेबल करके वहाँ से सर्वे किया जाता है, या फिर रिसर्च के लिए कहीं जाना हो तो नॉर्मली टेक ऑफ लैंडिंग के लिए ईजी होता है। और दोस्तों बहुत सारा चीज़ इसमें है एडवांटेजेस, जो एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं, एज यूजल बहुत टाइप में आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली। अब दोस्तों बात करेंगे पैसेंजर ड्रोन के बारे में। पैसेंजर ड्रोन को नॉर्मली PAV मतलब पर्सनल एयर व्हीकल भी बोला जाता है। इसका जो खासियत है, ये 300 किलोमीटर पर आवर के रेट से रन कर सकता है, 300 किलोमीटर तक ये ट्रैवल कर सकता है। और इसमें जो खासियत है, आप इसके ज़रिए से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, जो मैं वीडियो की शुरुआत में बोला था। यही टाइप के ड्रोन जो हैं ये पैसेंजर ड्रोन होते हैं। ड्रोन टैक्सी भी बोल सकते हैं, पैसेंजर ड्रोन भी बोल सकते हैं, इन बहुत सारे नाम्स होते हैं। चाइनीज़ कंपनी ने 2016 में लॉन्च की थी, और इसमें जो एबिलिटी था वो एक पैसेंजर को लेके जा सकती थी। अभी के बहुत सारे भी डेवलप हो चुके हैं जिससे एक से ज़्यादा भी पैसेंजर जा सकते हैं। कुछ अभी टेस्टिंग प्रोसेस में हैं, और कुछ डेवलप होकर ऑलरेडी काम में भी लग चुके हैं। यही खासियत है दोस्तों इसका। अगर आपको फ्लाई करना हो, आप US जाके Uber में फ्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप ड्रोन के बारे में विस्तार से समझ गए होंगे। अगर आप इसको यूज में लाना चाहते हैं, या कहीं ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, या कोई चीज़ को आप ऑर्डर करना चाहते हैं ड्रोन के माध्यम से, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस बारे में पूरी जानकारी हासिल हो गई होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।